Просто датно. Бег! अरे तो फिर भी यार फिर हमको काय के लिए बुलाया इनाउस लेके हमको दे दो सर साथ में हां भाई सो बोथ ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी आर टुगेदर सो हु इज गोइंग टू बैग इट आई मीन कुछ अभी कुछ भी आई हैव नो आईडिया बेस्ट फिल्म ये जवानी दीवानी एंड चेन्नई एक्सप्रेस ये जवानी दीवानी दे डिस्ट्रीब्यूटेड एज़ वेल सो इन अ सेंस वी आर ऑल टुगेदर ऑन दिस ऑल इन द फैमिली एंड चेन्नई एक्सप्रेस इज शाहरुख फिल्म सो इट्स ऑल द सेम थिंग ओके सो सलमान इज होस्टिंग द शो टुनाइट एनी आईडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज़ समबडी और द अदर्स टिपिकल सलमान पेज समबडी और द अदर सलमान होते ही तो क्या होने वाला है आज कुछ आईडिया है व्हाट आई थिंक सलमान कमाल के होस्ट है उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल की है और आई थिंक वो किसी को कभी ऑफेंड नहीं करते इट्स ऑलवेज विद ग्रेट पनाश एंड अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर सो आई थिंक ही इज ऑलवेज फैंटास्टिक एज अ होस्ट और आज भी उनका कमाल सब देखने वाले हैं I have lots to say about it, but I think speaking to the right people who are making the right amount of noise about it would be more important than me talking on a media platform right now. I definitely have a very strong perspective, as I'm sure Sid does as well. But I think right now is not the time to go on record with any comment. We still have to be in conversation. One more question: There are a lot of women-centric movies coming out. I think Sid should answer that. His wife is a brand ambassador of that movement. No, I think it's great, and it's been the case, I think, for the last few years, actually, from Fashion to the Dirty Picture to Kahani to, I mean, there have been so many movies, No One Killed Jessica. So it isn't really a new trend, and I'm glad that it is actually continuing going forward. Yeah, but do you think Bollywood is perceived as male-dominated? Do you think that sort of needs to change? I think perception comes from what you guys say and do. I think, and then perception becomes generalization. So I think every time, if you go back into the archives of cinema, female-oriented films have always worked, but they've been good. A bad film can't work, you know. So I think these are just kind of myths that float around that actually are not completely accurate. Karan, पहले के seasons की तरह ही इस बार भी Poppy with Karan की काफी चर्चा हो रही है, जिस तरह के guests आ रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं। आप बता सकते हैं कि आगे कौन-कौन से guests आने वाले हैं और कितने exciting होंगे episodes? ये season काफी धमाकेदार रहा है। अगले हफ्ते अक्षय कुमार आने वाले हैं। उसके बाद की हम अभी भी प्लानिंग मैं शूट कर चुका हूँ काफ़ी एपिसोड्स अक्षय के एपिसोड काफ़ी एंटरटेनिंग है इनफैक्ट उन्होंने मेरी काफ़ी फिरकी ली है तो वो बहुत ही एंटरटेनिंग था एंड आई लाइक दैट व्हेन इट हैपेंस तो एक्साइटिंग सीजन रहा है एंड बस आई थिंक ये 2-2.5 साल के बाद मैं आया हूँ वापस और अभी इसके बाद भी कुछ ऐसा ही गैप होने वाला है तो आई एम होपिंग दैट द सीजन कंटिन्यूस सारे आ चुके हैं अभी ऐसा कोई है नहीं जो नहीं आया तो विश लिस्ट सारे जो विश लिस्ट थी सलमान और आमिर नहीं आ चुके थे 3 सीजन में 4th सीजन में अक्षय सलमान आमिर सारे आ गए तो आई थिंक एवरीवन्स मेड इट टू द शो नाउ व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट थैंक यू गाइस थैंक यू